Namaste. Welcome to Abhyuday Online Classes. Students, today we are going to start our fourth chapter. आज हम अपने साइंस क्लास 8 साइंस का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सी इफ यू सी अराउंड अस, अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो हमारे आसपास हमें बहुत सारे मेटल्स मिलेंगे. जिस रूम में आप हैं उस रूम में ही यू आर एबल टू सी अ लॉट ऑफ मेटल्स, थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस टॉपिक ओनली हियर. Okay, so now first we will discuss the terms which we are going to explain in this chapter. See, there's four things which we are going to deal in this chapter. That is metalloids. What are metalloids? Metalloids वो होते हैं जिनके पास metal और non-metal दोनों की property show करते हैं. Metal की भी show करते हैं, non-metal की भी. Element will show the properties of metal as well as non-metal. They are known as metalloids. After that, metallic luster. Metallic luster क्या होता है? हर एक metal के पास अपनी एक natural shine होती है. है ना? Example के लिए gold, silver, इनकी shine होती है. तभी तो हम इनको jewelry के लिए use करते हैं. Then amphoteric. ये वो substance होते हैं जो acid से भी react करते हैं और base से भी react करते हैं. The substance which can react with acid as well as with base, they are known as amphoteric सब्सटेंस. हाइड्राइड्स कंपाउंड्स ऑफ मेटल. जब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होती है तो क्या बनता है? हाइड्राइड्स. व्हेनेवर मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन व्हाट इट फॉर्म्स? हाइड्राइड्स. नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन. व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन में आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक की लेयर की जाती है. That is known as galvanization. In simple, how we can define coating of zinc metal on iron objects. Okay, so these are some of the terms which we are going to deal in this chapter. Now, see, elements जो है उसको हमने तीन में classify किया. Elements we have classified into metals, non-metals and metalloids. Metalloids also I have explained to you. है ना? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है वो मेटलॉइड्स होता है. मेटल आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सारे कॉमन मेटल्स हैं. ठीक है? कॉपर यू कैन सी, गोल्ड यू कैन सी, डजंट इट्स रॉ फॉर्म, ओर की फॉर्म में है ना. एल्युमिनियम ये क्या है? सम ऑफ द मेटल्स. नॉन मेटल्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स. एलिमेंट्स को हमने कितने में क्लासिफाई किया? तीन, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. ठीक है? अब मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स क्या हुए? जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते. एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये कॉमन मेटलॉइड्स है. ठीक है? नेक्स्ट. Now, physical properties of matter. अब physical property of matter क्या? अगर मैं किसी matter को, अगर किसी metal को आपको identify करने बोलूं, तो आप कैसे identify करेंगे? तो उस identification के लिए हम कुछ properties है ना? वो properties हम पढ़ेंगे. What is that? Physical properties of matter. Physical property में physical state. Physical state मतलब कैसे दिखता है वो, है ना? Liquid है, solid है, गैस है, तो दैट इज फिजिकल स्टेट. अंडर नॉर्मल प्रेशर ऑन मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट विद मर्क्यूरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, बस एक्सेप्शन क्या है? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी आपने थर्मामीटर देखा, थर्मामीटर के अंदर जो सिल्वर शाइनी सब्सटेंस होता है वो मर्क्यूरी होती है ना, जो टेम्परेचर के बाद ऊपर नीचे होती है वो होती है मर्क्यूरी. वो ही सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होती है, बाकी सब क्या होते हैं? सॉलिड. ये क्या हुई उसकी फिजिकल स्टेट. अब उसके बाद कलर. जितने भी मेटल्स होते हैं वो सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं, शाइनी. ठीक है? नेक्स्ट है अपीयरेंस. जितने भी मेटल्स होते हैं ऑल मेटल्स आर शाइनी एंड शाइन ऑफ मेटल इज नोन एज मेटालिक लस्टर. What is metallic luster? If metal is not having their original shine, then we are not going to use it, isn't it?
gold is very much shiny, that's why we are using jewelry, isn't it? Then hardness. Most metals are hard. Only sodium and potassium metal can be easily cut with a knife. मेटल जो रहते हैं वो हार्ड रहते हैं, बस सोडियम रहता है जिसे हम सिंपल नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है? देन टेंसाइल स्ट्रेंथ. सी, मेटल जो रहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, है ना? तो एग्जांपल जैसे आयरन. आयरन हम कहाँ यूज करते हैं? रेलवे ट्रैक्स, ब्रिजेस, है ना? तो मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. आयरन कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. That is why it is used in construction of bridges, railway lines. आप ये देखिए किस तरह से show किया है, high tensile strength. High tensile strength मतलब बहुत ज्यादा strong होना. Okay, so how many properties we have discussed? Physical state, color, appearance, hardness, and tensile strength. Now malleability. What is malleability? The property by which a substance can be drawn into thin sheet, बिल्कुल पतली sheet में draw हो जाए, उसे हम बोलते हैं malleability. Okay? Example silver बर्क. चांदी की बर्क आती है जो मिठाइयों पे लगती है, भगवान के decoration में use करते हैं हम उसे, है ना? उसे चांदी की बर्क. ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें silver foil. Aluminium foil. Aluminium foil तो आप सभी familiar हैं. हम कभी रेस्टोरेंट से खाना लेके आते हैं तो उसमें रैप करके देते हैं, गर्म रहता है उसमें खाना, है ना? तो सिल्वर एंड एल्यूमिनियम इज एग्जांपल ऑफ मेलिएबल. ओके, व्हाट इज मेलिएबिलिटी? द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन शीट, दैट इज वी कॉल एज मेलिएबिलिटी. नेक्स्ट इज डक्टिलिटी. अब मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. This property is called ductility. देखो अभी हमने क्या किया, इसकी thin sheets बनाई. अब क्या करेंगे, पतले पतले, बहुत पतले wires. आपको पता है जब हम earrings जब नए नए कान में छेद करवाते हैं तो आपको सोने के तार से छेदते हैं, नाक भी छेदते हैं सोने या चांदी के तार से, है ना? तो that is example कि metals can be drawn into thin wires. This property is called ductility. गोल्ड एंड सिल्वर एकदम पतले पतले तार बन जाते हैं, दैट इज वी कॉल एज डक्टिलिटी. तो द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स, दिस इज नोन एज डक्टिलिटी. देन कंडक्टिविटी. मेटल्स जो होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल सिल्वर. डू नॉट यूज सिल्वर. वाई? बिकॉज इट इज टू एक्सपेंसिव. We use copper. Copper wire आपने देखा होगा, है ना? Then density. Metals are generally having high density. Metals की density जो होती है वो ज्यादा होती है. So this are here we have discussed some properties of metals. ठीक है, ये सारी किसकी properties थी? Metals की. अब हम discuss करेंगे properties of non-metals. Okay, one more property is left, that is sonorous. Okay, what is sonorous? Whenever we hit metal, है ना? Metal को जब हम कभी hit करते हैं तो उसमें से sweet sound निकलता है. That is we call as sonorous. Metals are sonorous. They make sweet sound when struck hard. That is why it is used to make musical instrument. इसीलिए आप देखिएगा गिटार सितार में जो वायर तार यूज होते हैं, है ना? वो किसके मेटल के बनते हैं. तो दैट इज द प्रॉपर्टी वी कॉल एज सोनरस, है ना? द प्रॉपर्टी व्हेन वी स्टक हार्ड स्टक विद एनीथिंग इट मेक स्वीट साउंड, दैट इज वी कॉल एज सोनरस. ओके, सो हियर वी विल एंड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. नाउ वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस. देखिए हमने जो मेटल बोला था, मेटल जो है वो जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है, हार्ड होता है. पर अब जब हम फिजिकल नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकती है. ठीक है, जैसे ब्रोमीन लिक्विड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस है, सल्फर और फॉस्फरस सॉलिड है. दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. देन कलर.
कलर, नॉन मेटल का अलग अलग कलर होता है, सल्फर लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है। देन अपीयरेंस, नॉन मेटल हैव डल अपीयरेंस, नॉन मेटल डू नॉट शाइन, हाउएवर ग्रेफाइट एंड आयोडीन हैव ए लस्टर। देखो हमने पढ़ा था मेटल्स का मेटालिक लस्टर होता है, पर नॉन मेटल डल होते हैं, उनमें कोई शाइन नहीं होती, सिर्फ एक्सेप्शन है ग्रेफाइट और आयोडीन जिनके पास शाइन होती है। द नेक्स्ट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल। नॉन मेटल्स ना तो मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, मतलब ना तो हम उनकी थिन शीट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ना उनके थिन वायर्स। ओके, अगर हम उनकी कोशिश करते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाते हैं, ठीक है। दे आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दैट मीन्स दे ब्रेक अप इनटू पीसेस व्हेन प्रेस्ड। जब हम उन्हें प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाते हैं। कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट हार्बर इज अ गुड कंडक्टर, है ना। नॉन मेटल्स हमने पढ़ा था मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जो कि कंडक्टर है। देन डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, हमने मेटल की डेंसिटी पढ़ी थी, दे आर हैविंग हाई डेंसिटी। टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल कैन बी ब्रोकन इजिली, हमने पढ़ा अगर हम उसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो उनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती। मेटल का अगर हम बोले तो मेटल्स आर हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सोनरिटी, नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, जब हम नॉन मेटल्स को हिट करते हैं तो उनमें कोई साउंड नहीं आता, ठीक है। और जबकि हम मेटल्स की बात करें तो दे आर सोनरस, दे प्रोड्यूस स्वीट साउंड। ओके, सो हियर वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ओके, नाउ इन आर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू।